सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं रियलिस्टिक नेचर टोन फोटो एडिटिंग करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम ऐप की सहायता से। तो जैसे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी नेचर टोन फोटो एडिटिंग कितनी ही अच्छी लग रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हेलो दोस्तों, सिंपली आपको अपना लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना होगा और दोस्तों अपनी फ़ोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेनी होगी। तो देन दोस्तों आप देख सकते होंगे, ये देखिए हमने फ़ोटो ऐड कर ली है। तो आज इस फोटो की एडिटिंग करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना और वीडियो को बिना स्किप करे हुए लास्ट तक देखना। तो पहले दोस्तों, जैसे आप फोटो को ऐड कर लेंगे, आपके इधर साइड में कुछ इस तरह से एडिटिंग के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो आपको दोस्तों एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको दोस्तों एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और देन दोस्तों, जैसे आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लाइट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली लाइट के ऑप्शन को टच कर लेना होगा। और आपको दोस्तों इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना होगा +30। और फिर आप लोगों को दोस्तों हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेना होगा +29। अब आपको नीचे शेडोज का ऑप्शन दिख रहा होगा, अब आपको शेडोज को कर लेना होगा -25। और फिर आपको व्हाइट्स की वैल्यू दिखेगी, आपको व्हाइट्स की वैल्यू को बढ़ा करके कर लेना होगा +37। और देन दोस्तों आपको ब्लैक्स की वैल्यू को कर लेना होगा -25। और फिर सिंपली आपको लाइट के ऑप्शन को कर देना होगा डन। अब आपको दोस्तों कलर टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ऊपर आपको दोस्तों ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और फिर आप लोगों को डार्क ब्लू टोन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको डार्क ब्लू टोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेना होगा -100। और दोस्तों इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर लेंगे -100। और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -34। अब आपको दोस्तों सैन टोन दिख रहा होगा, आपको सैन टोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100। और इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर देंगे -100। और दोस्तों इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे +32। और फिर दोस्तों आपको ग्रीन टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली ग्रीन टोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +100। और इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों -100। और देन दोस्तों आपको इसके लुमिनेंस की वैल्यू को कर देना होगा बढ़ा करके, इसको कर देंगे +25। अब आपको सिंपली दोस्तों येल्लो टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन दोस्तों आपको येल्लो टोन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों +100। और फिर आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को दोस्तों कर लेना होगा +100। और दोस्तों आपको इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेना होगा, इसको कर लेंगे दोस्तों बहुत ही माइनस हल्का सा, इसको कर लेंगे -19। अब दोस्तों फेस को गोरा करने के लिए, स्किन टोन को सही करने के लिए आपको ऑरेंज टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली ऑरेंज टोन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों -39। और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों +34। और फिर आपको ऊपर डन का ऑप्शन दोस्तों दिख रहा होगा, देन दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आपको दोस्तों इसकी टेम्परेचर की वैल्यू को कर लेना होगा +4। और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों +6। और फिर आपको दोस्तों कलर टूल के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन। अब आपको नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्यारे दोस्तों आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसकी क्लियरिटी की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों बहुत हल्का सा माइनस, इसको कर देंगे -18। और फिर आपको इसकी डी एच की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +10। और फिर आपको इसकी टेक्स्चर की वैल्यू को दोस्तों कर देना होगा -18। और अब आपको दोस्तों विग्नेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको विग्नेट के ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा। और इसकी अमाउंट की वैल्यू को आप लोगों को हल्का सा बढ़ा देना होगा, इसको कर देंगे +22। और इसकी दोस्तों मिड पॉइंट की वैल्यू को कर देंगे +100। और फिर आपको इसकी फीदर की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +100। और फिर सिंपली आपको इसकी इफेक्ट्स के ऑप्शन को कर देना होगा डन। अब आपको दोस्तों लास्ट स्टेप बचा है डिटेल का, आपको डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा।
और फिर आपको नॉइज का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आपको इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर देना होगा +19, और इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर देंगे +24। और फिर कलर नॉइज का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा और इसकी कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना होगा +23। और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू को बढ़ा करके दोस्तों कर देंगे +60। और फिर आपको सिंपली डिटेल के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी बिफोर फोटो रही, और दोस्तों ये रही हमारी आफ्टर। तो ये हमारी फोटो दोस्तों परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है। तो इसको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आपको शो कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।